नरसेना क्षेत्र के गांव थाना गजरौला में 19 सितंबर को एक युवक के साथ कुछ ग्राम वासियों द्वारा मारपीट करने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें गांव थाना गजरौला वासियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी, जबकि उक्त व्यक्ति पड़ोस के ही गाँव माजरा माली की मढ़ैया का निवासी दिनेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह है। दिनेश के पिता ने गाली गलौज और मारपिटाई के संबंध में नरसेना थाने में मारपिटाई व गाली गलौज करने वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ित के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 19 सितंबर को दिनेश नशे की हालत में अपनी भाभी की साड़ी पहनकर अपने पड़ोसी गांव गजरौला में चला गया, जिसके साथ ग्रामवासी द्वारा बच्चा चोरी के शक में मारपीट की गई, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। दिनेश उस समय अपनी मानसिक संतुलन में नहीं था। थाना प्रभारी संदेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चरण सिंह निवासी गांव थाना टीटू, निवासी ग्राम थाना नरेश, निवासी गांव चासी थाना आहार तरुण, निवासी चासी थाना आहार रविंद्र, निवासी माजरा माली की मढ़ैया तथा दर्जन भर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर सुरेंद्र नाथ तिवारी ने अपील करते हुए कहा कि उपरोक्त संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है तथा इस प्रकार की झूठी अफवाह पर विश्वास न करें। यदि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो तुरंत संबंधित थाने या डायल 112 को सूचित करें तथा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता धर्मवीर निगम की रिपोर्ट। नरसेना के अंतर्गत ग्राम गजरौला में एक युवक की पिटाई करते हुए कुछ ग्रामवासी दिख रहे हैं और इसका इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर के जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि गजरौला गांव के पड़ोस में ही गांव है माली की मढ़ैया, वहां का दिनेश नामक व्यक्ति है जो नशे का आदि है और अक्सर नशे में उलझुल तरह के कपड़े पहन करके इधर उधर घुमा करता है। वह उस दिन उस गाँव में चला गया था, गाँव वालों ने घेर करके उसकी पिटाई की है। उसके पिता द्वारा एक तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें कुछ लोग नामजद हैं और कुछ लोग अज्ञात में हैं। इसके अतिरिक्त हमारी अपील है सभी लोगों से कि इस अफवाहों के बारे में बार बार लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसके बारे में तत्काल थाना सूचना दें, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लें। अगर इस तरह की कार्रवाई इतनी अपील के बाद भी किसी के द्वारा की जाती है या किसी की पिटाई या अफवाह फैलाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि नरसेना की घटना में किया गया है।